फ्रेंड्स, वैसे तो आप थंबनेल देखकर गेस ही कर चुके होंगे कि आज हमें जो अर्निंग करना है वो प्लेटफॉर्म क्या है। यस फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर कैसे व्हाट्सएप को यूज करते हुए अर्निंग करें वही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर जो न्यू फीचर है व्हाट्सएप मेटा एआई, उसको यूज करते हुए कैसे ऑनलाइन अर्न करें। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो व्हाट्सएप मेटा एआई के थ्रू अपनी अर्निंग करने में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टू डिफरेंट वेज शेयर करी हूँ जहाँ पर आप मेटा एआई को यूज करते हुए अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए अगर कोई एक मेथड पर भी वर्क करते हैं तो आप यहाँ से मंथली का $200 या उससे ज्यादा भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अर्निंग करना चाहते हैं मेटा एआई को यूज करते हुए, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा वॉच करें ताकि आपसे यहाँ पर कोई भी पॉइंट मिस ना हो। फ्रेंड्स, अब इस वाले प्लेटफॉर्म पर वर्क करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना मोबाइल फोन को यूज करते हुए, अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए इस वाले प्लेटफॉर्म पर वर्क कर सकते हैं और यहाँ से अपनी अर्निंग को कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट्स है या अगर आप हाउसवाइफ्स है या इवन अगर आप यहाँ पर 9 to 5 जॉब करते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी अगर अर्न करना चाहते हैं तो आप मेटा एआई का यूज करते हुए अपनी एक्स्ट्रा इनकम को अर्न कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे यहाँ पर मेटा एआई का यूज करें और कैसे यहाँ से अपनी रेवेन्यू को जनरेट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल अमीरास मेंटर पर पहली दफा आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एट द एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चलिए चलते हैं स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट आ जाइए आप अपने व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर आने के बाद आपको अपने चैट्स के ऊपर ही एक इस तरह का आइकन दिखेगा, आपको उसको क्लिक करना है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर मेटा एआई का इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह का इंटरफेस या इस तरह का आइकन नहीं आ रहा है तो आपको अपना व्हाट्सएप एक बार अपडेट करना होगा। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर आइकन आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कर इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में हम यहाँ पर टू मेथड्स देखेंगे कि कैसे आप यहाँ पर इमेजेस के थ्रू भी यहाँ पर अर्निंग करें और कैसे यहाँ पर रेसिपीज को जनरेट कर उसके थ्रू भी यहाँ पर अर्निंग करें। वैसे तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे वेज मिल जाएंगे अर्निंग करने के, लेकिन आज आप लोगों को मैं यहाँ पर सिर्फ टू वेज बता रही हूँ। तो चलिए आ जाते हैं सबसे फर्स्ट मेथड की तरफ, जहाँ पर आपको इमेजेस को जनरेट करना है और उससे अर्निंग करनी है। तो यहाँ पर आपको इमेजेस को जनरेट करने के लिए एक कमांड लिखना होगा। तो फर्स्ट जो यहाँ पर कमांड लिखना है वो है यहाँ पर /imagine:, आप यहाँ पर गौर से देख सकते हैं मैं यहाँ पर क्या कमांड दे रही हूँ। ये कमांड लिखने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो भी प्रॉम्प्ट है, आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर इसको इमेज आपकी कैसी चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिखना है। चलिए यहाँ पर हम एक इमेज को जनरेट करते हैं जहाँ पर एक बर्थडे की केक की कटिंग हो रही है और जहाँ पर जो बैकग्राउंड में है वो एक स्नोई एरिया चाहिए हमें, और जब केक की कटिंग हो रही है यहाँ पर स्नोफॉल हो, और जो हमारा केक है वो केक फिल्ड विथ चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरीज होनी चाहिए और केक पर कुछ आइसिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर केक कैसा रहना चाहिए और यहाँ पर बैकग्राउंड में क्या थीम रहना चाहिए वो हम क्लियरली मेंशन कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर सारा कुछ लिख देने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट सम इमेजेस लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जो इमेजिनेशन कर रहे हैं वही यहाँ पर अपने सिंपल वर्ड्स में हम लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कटिंग अ बर्थडे केक इन अ स्नोई एरिया व्हाइल स्नो इज फॉलिंग एंड केक इज फिल्ड विथ चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरीज विथ डिफरेंट आइसिंग ऑन टॉप, जनरेट सम डिलाइटफुल इमेजेस। आप जैसे ये लिखकर यहाँ पर सबमिट करेंगे आपको यहाँ पर विद इन फ्यू सेकेंड्स में यहाँ पर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट्स भी बताऊंगी कि यहाँ पर जो इमेजेस मिलेंगे कितने हाई क्वालिटी के यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इमेज आ गई हमारे पास जहाँ पर स्नो है, लेकिन यहाँ पर जो स्नो है इतना यहाँ पर बैकग्राउंड उसका उतना लुक अच्छा नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर और उसको कमांड दे देंगे कि हमें यहाँ पर और इमेजेस चाहिए विथ स्नो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जैसी इमेज चाहिए थे वैसी यहाँ पर इमेज विथ बैकग्राउंड थीम एंड यहाँ केक कटिंग हो रही है, स्नोफॉल भी हो रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर इस इमेज ऐसी ही चाहिए थे तो इमेज पर टैप करना है और यहाँ पर व्यू इन गैलरी को सेलेक्ट करना है। व्यू इन गैलरी करने से आपकी जो इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को और कुछ इमेजेस को जनरेट कर बताऊंगी। तो यहाँ पर हम जो सेकेंड इमेज को जनरेट कर रहे हैं जहाँ पर जो बेबी है वो पेटल पर फ्लावर के पेटल्स पर बैठा हुआ है, उस इस तरीके की यहाँ पर हम इमेज को जनरेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही आप लोग वीडियोस इमेजेस यूट्यूब पर बहुत सारे देखे होंगे। तो आपको यहाँ पर सिंपली कमांड देना है, कमांड देने से आप ऐसे इमेजेस यहाँ पर जो VFX इफेक्ट रहता है VFX के थ्रू भी आप यहाँ पर इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सिमिलर इमेज ऑन कोकोनट शेल, सेम इमेज हम यहाँ पर विथ कोकोनट शेल के यहाँ पर एक जनरेट कर देखेंगे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ मैं सिमिलर इमेजेस विद कोकोनट शेल दे दी हूँ, तो यहाँ पर एक बेबी कोकोनट शेल के अंदर यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप कमांड देते ही विद इन फ्यू सेकेंड्स में आप लोगों को रिजल्ट्स मिल जा रहे हैं। ये आप लोगों के साथ यहाँ पर लास्ट प्रॉम्प्ट शेयर कर देती हूँ, जहाँ पर एक बर्ड जो है टेबल पर बैठी हुई है उसके ग्रेन्स के साथ, और जो टेबल है वो क्लाउड में है। कुछ इस तरीके का हम कमांड दिए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इमेजेस यहाँ पर जनरेट हुए हैं ये कितना, जो इसकी रेजोल्यूशन है, जो इसकी क्वालिटी है कितनी हाई है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर भी, या इसको आप यहाँ पर एआई कंटेंट को सेल कर कर भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं कुछ ऐसे साइट्स बताऊंगी जहाँ पर आप इस तरीके के इमेजेस को सेल कर कर अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं सबसे फर्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ। जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ पर है फ्रीपिक। आप लोग भी फ्रीपिक का नाम सुना ही होगा। तो आपको यहाँ पर फ्रीपिक पर एआई कंटेंट को सेल कर कर भी अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आपको आना है क्रोम ब्राउजर पर और freepik.com को सर्च करना है। अब जैसे यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पर वेबसाइट के सबसे लास्ट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर सेल कंटेंट दिख रहा होगा, आपको क्लिक करना है यहाँ पर सेल कंटेंट पर। अब जैसे यहाँ पर सेल कंटेंट पर क्लिक करेंगे, आपको ये अपना अकाउंट बनाने को कहेंगे। आपको यहाँ पर अपना अकाउंट एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर का बनाना है, तो आपको क्लिक करना होगा बिकम अ कॉन्ट्रीब्यूटर पर। उसके बाद यहाँ पर आप अपना अकाउंट बना लीजिए, लॉग इन विथ गूगल कीजिए, या अदरवाइज आप सिंपली दूसरा ईमेल एड्रेस को यूज़ करते हुए भी अगर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 स्टेप्स मिलेंगे। फर्स्ट में आपको यहाँ पर उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना होगा। सेकेंड, आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। थर्ड ऑप्शन, आप यहाँ पर अपने जो भी इमेजेस हैं उनको अपलोड कर सकते हैं और इसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर फ्रीपिक पर 50% का कमीशन लेकर अर्निंग कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पर कोई आपकी इमेज को डाउनलोड कर लिया है तो आपको यहाँ पर 50% फ्रीपिक रखेगा और 50% यहाँ पर यह आपको पे करेगा। तो यहाँ पर जितने इमेजेस यहाँ पर आपके लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद रहे कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को इस वाले प्लेटफॉर्म से आपकी अर्निंग होगी। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर फ्रीपिक पर आपकी पोर्टफोलियो लिंक भी पूछेगा। अगर आपके पास अपनी पोर्टफोलियो लिंक नहीं है तो यहाँ पर आप अपनी शटरस्टॉक की भी लिंक दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, आपके जो इमेजेस है वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो आप यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं थ्रू पेपाल के, या आप थ्रू डायरेक्ट बैंक के भी इस प्लेटफॉर्म से विड्रॉ को ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको विड्रॉ लेने के लिए मिनिमम चाहिए $25 और यहाँ पर 50 अगर आपके पास यूरोस रहेंगे तो आप इस वाले प्लेटफॉर्म से इजीली विड्रॉ ले सकते हैं। जो सेकेंड वाला प्लेटफॉर्म है वो है शटरस्टॉक। ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन आप लोगों को शटरस्टॉक इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर अगर फ्रीपिक पर अगर आप अपने इमेजेस को सेल करेंगे तो आपको यहाँ पर शटरस्टॉक की आईडी लगाने का एक इजीली ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप शटरस्टॉक पर भी अपना अकाउंट बना लीजिए। आपको शटरस्टॉक पर आना है और यहाँ पर बिकम अ कॉन्ट्रीब्यूटर पर क्लिक करना है अगेन। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो क्रिएट यूअर अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सारे अपने इन्फॉर्मेशन देने हैं, लाइक आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम, आपका जो डिस्प्ले नेम रखना चाहते हैं वो देना है, अपना ईमेल एड्रेस और 8 डिजिट का पासवर्ड सेट कर यहाँ पर इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है। तो यहाँ पर उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन मेल आ जाएगा आपके जीमेल पर, वहाँ से उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको अगेन एक यहाँ पर पर्सनल आपके इन्फॉर्मेशन देने को कहेगा, तो आप वहाँ से अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। देने के बाद आपको इसी तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट अपलोडिंग टुडे, वहाँ पर क्लिक कर आप अपने इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अगर आपकी इमेज का जो डायमेंशन है वो अगर करेक्ट नहीं रहेगा तो इमेजेस यहाँ पर अप्रूव नहीं होंगे। उसके लिए आपको इमेजेस को यहाँ पर रिसाइज करना है। बहुत सारे आपको ऑनलाइन टूल्स मिल जाएंगे, उसकी हेल्प से यहाँ पर आप इमेजेस को भी रिसाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको कितना पे मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो देखने के लिए आप यहाँ पर इनके सपोर्ट पेज पर शटरस्टॉक कॉन्ट्रीब्यूटर वाले पेज पर आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं कि आपको यहाँ पर वीडियो के पर इमेज के कितना ये दे रहे हैं। तो सेम फ्रीपिक की तरह आपके यहाँ पर अगर $25 रहेंगे तो आप यहाँ पर पेपाल या पायोनियर या स्क्रिल के थ्रू यहाँ से विड्रॉ को ले सकते हैं। यहाँ पर बैंक का ऑप्शन नहीं है, आपको ये 3 ऑप्शन ही मिलेंगे जिसके थ्रू आप यहाँ से अपना विड्रॉ जो है ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो हमें इमेज जनरेट की थी यहाँ पर वो अपलोड कर दी हूँ। तो सिंपली इसी तरह से आपको करना है और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर भी आप इमेजेस को सेल कर अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रीपिक का आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ट्रैफिक आती है और यहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आती है। तो यहाँ पर जो टोटल विजिट्स है अब तक 90.3 मिलियन हो चुके हैं और यहाँ पर जो पेजेस पर विजिट है 9.32 और यहाँ पर लोगों का एवरेज वीडियो ड्यूरेशन भी ज़्यादा है। तो इस फ्रीपिक वाले प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा जो ऑडियंस रहती है, ज़्यादा यहाँ से जो लोग है वो है इंडिया से ही।
तो यहाँ पर इंडियन ज्यादा प्रीफर करते हैं इस वाले प्लेटफॉर्म से। इस तरीके से आप यहाँ पर सिमिलर वेब पर शटरस्टॉक का भी सर्च कर देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल विजिट 68.5 मिलियन है, पेजेस पर विजिट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कौन सी कंट्री से यहाँ पर ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म को प्रीफर कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर जाना है, अपना अकाउंट बनाना है और अपने इमेजेस को सेल कर उसके थ्रू अर्निंग करनी है। तो फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट वाला मेथड जिस पर आप इमेजेस के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। अब जो सेकेंड मेथड है जहाँ पर आप फूड रेसिपीज को जनरेट कर अर्निंग कर सकते हैं, तो चलिए उसकी तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर आपको फूड रेसिपीज के ब्लॉग्स लिखना है, आपको यहाँ पर ब्लॉगिंग करते हुए अर्निंग करनी है। तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ अगेन मेटा एआई पर और यहाँ पर कुछ रेसिपीज को जनरेट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर जनरेट कर रही हूँ एक वनीला केक की रेसिपी। तो मैं यहाँ पर वही लिख दूंगी कि राइट अ ब्लॉग ऑन 2 pounds ऑफ वनीला केक्स विथ करेक्ट मेजरमेंट्स इंग्रेडिएंट्स एंड यहाँ पर उसकी क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है एक पेस्ट्री के, वही यहाँ पर मैं मेंशन कर दी हूँ। तो आप यहाँ पर सारा कुछ इस तरीके से लिख दीजिए, अपना ब्लॉग किससे रिलेटेड चाहते हैं, कौन सी फूड रेसिपी के रिलेटेड चाहते हैं, लिखकर यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 pounds ऑफ वनीला केक के लिए आपको यहाँ पर क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो यहाँ पर फर्स्ट आ गया है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं पर सर्विंग के क्या न्यूट्रिशन वैल्यूज है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पर सर्विंग के कितने कैलोरीज है, कितना सैचुरेटेड फैट है, कितना शुगर और प्रोटीन है यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि कैसे आपको यहाँ पर केक को बेक करना है। तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर डिटेल में एक ये ब्लॉग लिख कर दिया है विथ इंस्ट्रक्शन, विथ यहाँ पर क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और क्या आपको यहाँ पर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अब हमें चाहिए यहाँ पर इमेजेस, तो हम यहाँ पर अगेन आ जाएंगे और इसको कमांड देंगे कि हमें कुछ यहाँ पर इमेजेस चाहिए। अगर आप यहाँ पर ऑल्सो शेयर सम इमेजेस इस तरीके का अगर कमांड लिख कर सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे इमेजेस, लेकिन उतने एक्यूरेट नहीं मिलेंगे। तो आप यहाँ पर अगर ये कमांड देकर अगर यहाँ पर इमेजेस सर्च करेंगे तो आपको टू द पॉइंट यहाँ पर आप जो इमेजेस चाहते हैं वो इमेजेस आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अगेन दे रही हूँ /imagine ऑल्सो शेयर सम इमेजेस इस तरीके के। तो यहाँ पर हमें जो इमेजेस चाहिए केक के, वनीला केक के, वो तो मिल गए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो टॉपिंग है वो चाहिए स्ट्रॉबेरी की विथ सम आइसिंग यहाँ पर चाहिए, यही मैं मेंशन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप हमें जैसे केक चाहिए थे वैसे यहाँ पर मिल गया है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस को जनरेट कीजिए, जो इमेज आपको अच्छी लगती है वो इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और अपने ब्लॉग में उसको यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर मेरे को तो इमेजेस मिल गए हैं, अब हमें को यहाँ पर चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन। इसके लिए अगेन मैं यहाँ पर कमांड दे देती हूँ कि ऑल्सो शेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस रेसिपी। तो यहाँ पर मेरे को ये डिस्क्रिप्शन डिटेल में लिख कर दे दिया है कि यहाँ पर इसका हम कहाँ कहाँ पर ऐसा केक यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, सारा कुछ यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक प्रॉपर डिटेल में जो ब्लॉग चाहिए वो मिल गया है। तो मैं यहाँ पर आपको ऑल रेसिपीज़ का एक यहाँ पर एक फूड वाला केक से रिलेटेड एक ब्लॉग ओपन कर बताती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ये इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद कैसे प्रिपेयर करना है डायरेक्शन, उसके बाद आपको यहाँ पर कहाँ कहाँ पर आप ऐसा केक को यूज़ कर सकते हैं, सारा कुछ आपको इसी तरीके का एक प्रॉपर वे में एक ब्लॉग मिल गया है। अब आप इसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर अपने ब्लॉग को अपलोड कर अर्निंग कर सकते हैं। तो आपकी अर्निंग कैसी होगी ब्लॉग पर, आपको इस तरीके के यहाँ पर एड्स रन होंगे जो कि यहाँ पर एडिस्ट्रा के थ्रू आपकी अर्निंग होगी। अगर आपको यहाँ पर कैसे एडिस्ट्रा को यूज़ करते हुए ब्लॉगिंग कर अर्निंग करनी है अगर वो नहीं आता है तो मेरे को आप मेथड 2 कमेंट कीजिए, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में ब्लॉगिंग करते हुए कैसे आप यहाँ पर अपनी अर्निंग करें वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैसे आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं, कैसे वहाँ पर आप अपने डेली ब्लॉग्स को अपलोड करें और कैसे गूगल एड्स को रन करते हुए अर्निंग करें। तो फ्रेंड्स यही था आज के 2 मेथड्स जहाँ पर आप व्हाट्सएप का मेटा एआई का फीचर यूज़ करते हुए अर्निंग करें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चलिए मिलते हैं।